हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिरसा में बजरंग दल ने रोष मार्च निकालते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। आपको बता दें कि भिवानी के लोहारू में बोलेरो गाड़ी में दो जले हुए शव मिलने का मामला था, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बगैर जांच के मामले में उन्हें घसीटना राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की राजनीति का हिस्सा है। बजरंग दल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर राजस्थान की सरकार का पुतला फूंका। इससे पहले बजरंग दल के सदस्य कार्यकर्ता नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और हवन यज्ञ करने के बाद विभिन्न चौकों से होते हुए बंदा सिंह बहादुर चौक पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजस्थान सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सिरसा से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। आज यहाँ पहुंचे हो, क्या किस कारण वजह से यहाँ पे इकट्ठा हो? आज अभी एक बजरंग दल का अभी तृशूल दीक्षा का कार्यक्रम रहता है हमारे वार्षिक उत्सव में से एक, और इसके बाद अभी राजस्थान के जो भरतपुर जिले में चर्चित गौ तस्करों के हरियाणा के लोहारू कस्बे में एक दो नरकंकाल बरामद हुए हैं, और राजस्थान पुलिस और राजस्थान गहलोत सरकार और वहां के विधायक वो जो है हजाइदा खान है, वो कुछ लोगों को अल्पसंख्यक लोगों को खुश करने के लिए और बजरंग दल के जो चर्चित गोरक्षक और जो कार्यकर्ता है उनके नाम उन्होंने अपने शक के आधार पर लिखवा दिए। तो बजरंग दल अपने जो है संगठन की बदनामी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बजरंग दल का काम है प्राण देना है, जान लेना बजरंग दल का काम नहीं है। जो गौ माता की रक्षा करता है तो एक इंसान की जान है वो 100 गायों के बराबर है। बजरंग दल कभी कानून हाथ में लेकर काम नहीं करता। गो टास्क फोर्स तो इसलिए आज सभी बजरंगी अभी प्रदर्शन करेंगे लाल बत्ती चौक पे जाके। हम राजस्थान सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं भाई। सर आप कह रहे हो कि शक के आधार पर उनका अभी जो लोहारू में जो नरकंकाल बरामद हुए हैं फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह नहीं पाया गया कि वो जो गौ तस्कर जो किडनैप हुए हैं उन्हीं के हैं। वो चर्चित 4000 के इनामी बदमाश थे, गौ तस्कर थे एरिया के। हो सकता है वो पुलिस से कार्रवाई से बचने के लिए कहीं छिप गए हो, कोई अनैतिक कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गए हो और वो वहाँ कुछ अन्य व्यक्तियों के नरकंकाल भी वहाँ डाल करके और सरकार को और पुलिस को वो गुमराह कर रहे हो। तो बजरंग दल सीबीआई की जांच की मांग करता है, ना कि आप सबके आधार पर। अगर जैसे मैं भी यहाँ सिरसा जिले में बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ तो मेरा नाम तो सभी जानते हैं। अगर ऐसी कहीं कोई घटना होती है और नाम लेकर के आप सरेआम संगठन की बदनामी कैसे कर सकते हैं? तो बजरंग दल है तो और उनके कार्यकर्ता है भाई मनु मानेसर उर्फ मोहित यादव। बजरंग दल हरियाणा प्रांत में गोरक्षा प्रमुख के नाते काम देखते हैं। श्रीकांत पंडित जी हैं मेवा क्षेत्र में। कल उनके घर पर सुबह 3 बजे जो है राजस्थान पुलिस ने रेड मारी। उनकी गर्भवती पत्नी 9 महीने का उनके बच्चा था वो उस धक्का मुक्के में उन्होंने पिटाई की पुलिस ने, और 30-40 अन्य लोग थे पुलिस की वर्दी में सामान्य में, तो उस बच्चे की मृत्यु हो गई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जहां भारत में जहां गोरक्षकों के परिवारों पर अगर ऐसा दुर्भाग्य कृत्य किया जाता है इससे एक शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? तो बजरंग दल इसका विरोध करेगा और पूरे हरियाणा कहीं भी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, किसकी साजिश है? बजरंग दल से जो खफा संगठन है जिनका गो तस्करी का काम है और जितने भी गैर कानूनी कार्य है मेवात क्षेत्र में अंजाम दिए जाते हैं, बजरंग दल हरियाणा की टीम गोरक्षा दल की टीम ने इन लोगों की जो काम थे गो हत्या के उन पे तुरंत 5 सालों में पूर्णतया रोक लगा दी है। उन लोगों की कमाई का जरिया अनैतिक कार्य गैर कानूनी कार्य सारे बजरंग दल ने बंद करा दिए गए हैं। ऐसे लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इन जो है साजिश के तहत फंसाना चाहते हैं ताकि और बजरंगी इनसे डर करके और अन्य लोग हैं जो गोरक्षा का नाम ना ले। नाम बताएंगे सर? संगठन तो खास करके जो मेवात क्षेत्र में है, कोई एक विशेष संगठन नहीं है, एक विशेष समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है। नाम सर कुछ नाम बता सकते? देखो नाम कोई नहीं है यार, इनके तो है ना 60,000 से ज़्यादा जमीयत उलेमा जमीयत हिंद ऐसे 60,000 से लश्कर तोयबा आईएस पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं
60 देशों में 56 देशों के अंदर कोई भी जो मुस्लिम रहता हो उनकी एक ही विचारधारा होती है, तो सभी इनको बाहर से फंडिंग करते हैं और राजनीतिक कार्य हरियाणा में नहीं विदेश के हर क्षेत्र में ये कार्य करवाते हैं। और बजरंग दल इनके जो इस काम में आड़े आ रहा था तो बजरंग दल के जो गोरक्षकों को है उनको इस साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जिसको बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन बता रहे हो, विश्वी संगठन के नाम ले रहे हैं, तो आपकी बजरंग दल को जो मैं बात के संगठन देखो जी उनके नाम जानना चाह रहे हैं। हिंदू संगठन एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, उसका घटक है, कोई और हिंदू समाज है चाहे उसमें चाहे 100 करोड़ जनसंख्या हो, लेकिन कोई संगठन अन्य कार्य कर ही नहीं करा। लेकिन मुसलमान है जो भी विधर्मी संगठन है उनके 60,000 से ज़्यादा अनैतिक और गैर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, जो भारत में नहीं अपितु विदेशों में रहकर फंडिंग करवाते हैं, अपने देश के अंदर अशांति पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने के लिए, देश में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए, ऐसी बातों को है जो बाहर से विदेशी ताकतें हैं, ISIS जैसी संस्थाएँ हैं वो इनको सुनियोजित तरीके से, और कुछ पार्टियाँ हैं घलो सरकार है वो वहाँ बजरंग दल को सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है, ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो 15 मिनट में देश को हिंदुस्तान को खाली करने की बात करते हैं, ऐसे लोग बजरंग दल को निशाना बना रहे हैं। लेकिन उनको बता देना चाहते हैं बजरंग दल ऐसा समाप्त होने वाला संगठन नहीं है। तो सर आज क्या कुछ फिर कार्यक्रम रखा गया, जैसे यात्रा भी निकाली जा रही है, अभी हम यहाँ से सामूहिक सभी कार्यकर्ता जाके और गहलोत सरकार का और हम जो है राजस्थान पुलिस का पुतला दहन करेंगे, और एक सांकेतिक है आज तो हम संकेत दे के जा रहे हैं, उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अनहोनी की गई तो हरियाणा में नहीं पूरे पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल सड़कों पर आकर के इनका विरोध करेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।